गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे सेकंड चैनल यानी एनआरआर जीएसडी लाइव पे आप लोगों के लिए फ्री एडॉप्शन डॉग्स आने वाले हैं, इवन कैट्स भी आ गए हैं भाई। तो चैनल का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें डॉग्स और कैट्स को फ्री में अडॉप्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग्स ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले एक जानी मानी डॉग ब्रीड के बारे में जो की काफी रेयरेस्ट कलर में है, जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों ये जो जर्मन शेफर्ड है ना, ये एक फीमेल है और भाई ये ब्लैक कलर में है। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जो ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड होते हैं उनका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू ब्लैक एंड टैन कलर से। लेकिन यार आप लोगों ने माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सभी का प्राइस आप लोगों को काफी अफोर्डेबल मिलता है। आप लोगों को दूसरे चैनल्स पर विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस चैनल के थ्रू पूरी हो जाती है। तो आज आप लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में आप लोग इस फीमेल को परचेज करके, क्योंकि भाई ब्लैक जर्मन शेफर्ड का सपना काफी लोगों का होता है। तो ये जर्मन शेफर्ड एक सेमी एडल्ट फीमेल है, उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं एंड फीमेल बिल्कुल फ्रेंडली है। इसके एग्रेशन को लेकर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग चाहे इसे अपने फार्म हाउस वगैरह पे रखो या फिर अपनी फैमिली के साथ ये कंफर्टेबली रह सकती है। बाकी उन्होंने फीमेल को अच्छे से ट्रेंड भी कर रखा है, फीमेल वेल ट्रेंड है एंड ये मीडियम कोट में है, जिसके कोट को काफी आसानी से मेंटेन रख सकते हो। एंड गाइस मुझे इस फीमेल में थोड़ा बहुत एंगुलेशन भी नजर आ रहा है, जो कि आप लोग शायद वीडियो में देख भी सकते हो। वैसे गाइस ये जो जर्मन शेफर्ड फीमेल है ना, ये 8 मंथ्स की हो चुकी है एंड उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि अपनी फर्स्ट ईट पर आ गई है या फिर नहीं। जहां तक मेरा आइडिया अभी तक तो नहीं आई होगी, बट फिर भी उन्हें से डिस्कस कर लें। एंड एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि प्लीज अपनी फीमेल को कभी भी फर्स्ट ईट पर क्रॉस ना कराएं, क्योंकि भाई इस टाइम तो आप लोगों को पता ही होता है ये खुद ही बच्चे रहते हैं। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैसों के चक्कर में आप लोग अपनी फीमेल की लाइफ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि भाई अगर आप लोगों की फीमेल ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो फिर आगे चल के वो बच्चे देने के लिए कैसे कैपेबल होगी। बाकी एडल्ट डॉग्स को जब भी आप लोग परचेज करते हैं आप लोगों को काफी सारे फायदे होते हैं। एक तो आप लोगों का खर्च काफी ज्यादा बच जाता है, दूसरी चीज भाई घर में कोई एक बंदा भी ना तो भी इन्हें हैंडल कर सकता है, क्योंकि भाई इन्हें खाना ही देना होता है। बाकी भाई इनके साथ अपना टाइम जरूर स्पेंड करें ताकि इन्हें भी लगे कि हाँ भाई हम लोग अपने पहले ओनर को छोड़ के आए तो दूसरे ओनर भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। क्योंकि भाई डॉग्स इसलिए नहीं होते कि आप लोगों ने परचेज किया, घर में लाए और बांध के छोड़ दिया, भाई इनकी भी केयर करनी पड़ती है, इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इन्हें भी आप लोगों के प्यार की एक केयर की जरूरत होती है। तो फीमेल की एज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो अगर बात करें ओनर की लोकेशन के बारे में तो भाई ओनर की जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। बाकी डिलीवरी आप लोगों को सिलेक्टेड एरियाज में मिल जाएगी या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करोगे तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि डायरेक्ट जाकर आप लोग क्वालिटी को अच्छे से चेक कर सकते हो। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है, मीडियम कोट में है, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 8000 पीस यानी सिर्फ 8000 रुपए। एंड दोस्तों प्राइस जो ना ये फिक्स नहीं है, तो भाई आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।